आजरोज आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद ना प्रेसिडेंट प्रवीण तोगड़िया वडोदरा शहर ना आजवा रोड खाते पधार्या हता, ज्यां तेमणे भव्य राम मंदिर बाद देश में काशी मथुरा मंदिर ना संकल्प माटे लोक हाकल करी हती। आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद ना प्रेसिडेंट प्रवीण तोगड़िया आजरोज शहर आजवा रोड स्थित अमेरिकन स्कूल नजीक आवेला डाउडेक सोसायटी एक कार्यक्रम माटे आव्या हता, ज्यां पत्रकारों साथेनी वातचीतमां तेमणे जणाव्यु हतुं के 25 पेढ़ीओना संघर्ष बाद ज्यारे आगामी 22 जान्युआरी ना रोज अयोध्या खाते भगवान श्री राम भव्य राम मंदिर में बिराजमान थशे ते खूब ज खुशीनी वात छे। आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद ना सौ कार्यकरो वर्ष 1992 में कार सेवकों साथे संघर्ष साथे रहा हता, तेमा कार सेवकों तथा कार्यकरोनो पण खूब ज महत्वनो फाड़ो रह्यो छे। त्यारे आगामी 22-24 जान्युआरी ना रोज आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा राम मंदिरना उपलक्ष्य में उत्सव मनावाशे, जेमा 450 जिल्लाना 1,00,000 वधु गामना 8 करोड़ लोकोए जे 1-1 रुपयो दानमां आप्यो तथा 5,00,000 गामडामांथी शिला मोकली हती ते तमाम जग्याए 8 करोड़ दीवड़ा प्रगटावाशे। साथे ज राम मंदिर बनाव्युं छे, त्यारबाद हवे मथुरा काशी माटे वातो अने कार्य कराशे। जे लोको आ राम मंदिर संघर्षमां साथे रह्या छे तेओ माटे 24 जान्युआरीना रोज नियम साथे अयोध्यामां रामलल्लाना दर्शन करशे। तेमणे पोतानी आगवी अदामां राम मंदिर बाद हवे काशी मथुरा माटे तैयार रहेवा अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद अने बजरंग दल ने हाकल करी छे। लोगों के लिए बहुत बड़ा आनंद की बात है कि 450 वर्षों की 25 पीढ़ियों के विजयी संघर्ष के बाद अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर का अंतिम संघर्ष 2018-21-22-23 अक्टूबर लाखों लोगों के लिए लेकर अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में किया, मैं भी था। हमने तय किया है कि हम देश भर में 24 जनवरी से 22 जनवरी विजय उत्सव मनाएंगे। यह उत्सव में 3 बातें होगी। राम मंदिर बन रहा है उसका आनंद, जिन्होंने राम मंदिर बनाने के लिए संघर्ष किया उनको धन्यवाद, और काशी मथुरा बनाने का संकल्प, ये 3 बातें होगी। कार्यक्रम में जगह जगह पर स्कूटर रैली, हिंदू मैराथन दौड़ या पदरातिया निकलेगी। यह मोटे तौर पर 21 जनवरी निकलेगी, और 450 वर्षों का संघर्ष हुआ इसलिए 450 से ज़्यादा जिलों में, 1,00,000 से ज़्यादा गांवों में, 8 करोड़ लोगों ने 125 रुपया दिया है, उनसे मंदिर बन रहा है। इसलिए 450 जिलों के 1,00,000 गांव में हम 8 करोड़ दीप प्रज्वलन अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल 22 जनवरी शाम को करेगा। पर दीप प्रज्वलन में दीप रखा होगा, वह डिजाइन में लिखा होगा कि हिंदुओं का विजयी संघर्ष का विजय उत्सव, लिखा होगा राम मंदिर हमने बना लिया, काशी मथुरा बना लेंगे, लिखा होगा धन्यवाद 450 वर्षों के 25 पीढ़ी के पूर्वजों को, धन्यवाद 4,00,000 से ज़्यादा हुतात्मा को, धन्यवाद 125 रुपया देने वाले 8 करोड़ हिंदुओं को, धन्यवाद 5,00,000 गांवों को जिन्होंने शिला भेजी, धन्यवाद 8,00,000 से ज़्यादा कार सेवकों को जो हमारे ऐलान पर अयोध्या आए थे, और धन्यवाद 1,00,000 से ज़्यादा साधु संतों को जो मठ मंदिर छोड़कर अभियान में लगे थे। तो यह 22 जनवरी शाम का कार्यक्रम विजय उत्सव भी होगा, धन्यवाद उत्सव भी होगा, और काशी मथुरा का संकल्प होगा। कुछ दिनों से देश भर से मुझ पर फोन आ रहे हैं कि आपके साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर 89 की, 90 की, 92 की और 2018 अक्टूबर की कार सेवाओं में हम आए, कई दिनों आपके साथ रहे। अब व्यवस्था के कारण 22 जनवरी सीमित लोग आ पा रहे हैं, तो आपके साथ हम संघर्ष किया ऐसे बने हुए भव्य राम मंदिर में रामलला का दर्शन करना चाहते हैं। तो मैंने कहा कि व्यवस्था देखकर 24 जनवरी
जिन्होंने 89-92-2018 में हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर राम मंदिर बनाने का संघर्ष किया, उनमें से जिनको दर्शन करने के लिए आना है वह 24 तारीख को आए, तीर्थन्यास की व्यवस्था की सूचना का पालन करके। हमने इतने वर्षों के संघर्ष किया और भव्य मंदिर में रामला के दर्शन करके भगवान को ये मौका देने के लिए हम धन्यवाद करेंगे कि आपने इस जीवन में धर्म का काम करने का आपने मौका दिया। धन्यवाद भगवान। यह 24 जनवरी का रामलला के दर्शन का कार्यक्रम रहेगा।